एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड ब्लॉग। आज सैटरडे है और मॉर्निंग का 7:45 हो गया है। मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ 7:30 के अराउंड, और जब मैं लेट सोकर उठती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीकेंड तो वैसे ही इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस से फिल्ड हो जाए, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती कि लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, जल्दी उठो। तो आराम से रिलैक्स्ड मॉर्निंग है, और यस, बहुत ब्यूटीफुल डे है, सनी है अभी तक। तो टेम्परेचर आज मैंने देखा नहीं, पता नहीं कितना होगा, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। सो या, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर माई वीकेंड ब्लॉग विद यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। वेदर तो आज का काफ़ी अच्छा है, सनी है एंड पॉजिटिव में है टेम्परेचर आज। वीकेंड है तो कुछ स्पेशल नाश्ता तो बनता ही बनता है, और वीकेंड स्पेशल नाश्ते में आज बन रहे हैं मिक्स वेज पराठे, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रेपरेशन कर ली है, सारी वेजीज निकाल के रख ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या वेजीज डालती हूँ। हैंडफुल ऑफ पालक लिया है, थोड़ी सी गोभी ली है, छोटा सा पीस जिंजर का एंड वन गार्लिक। यहाँ पे मूली ली है मैंने, छोटा सा टुकड़ा मैंने गाजर का भी लिया है, टू ग्रीन चिलीज एंड a small piece of onion. अब आप चाहे तो इन सारी वेजीज को घिस सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो मैं अपना इलेक्ट्रिक चॉपर यूज करूंगी, फटाफट से सारी सब्जियों को फाइनली चॉप कर लेंगे। चॉपर में सारी वेजीज को मैं रफली चॉप करके ऐड करूंगी, तो इसमें काफ़ी सारी सब्जियां एक साथ आप देखेंगे मैं डाल दूंगी और फटाफट से चॉप हो जाएंगी। जिंजर गार्लिक डाल दिया, मूली डाल दी, गाजर डाल दी, ग्रीन चिली और अनियन एक साथ डालूंगी, और बस एक दो पल्स करूंगी और आप देखेंगे कि सब्जियां एकदम अच्छे से चॉप हो जाती हैं। बिल्कुल आप फिर पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने सब्जियों को घिसा है या चॉप किया है, और ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रिक चॉपर से काम बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ तो आधा घंटा आपको ये सारी सब्जियाँ घिसने में ही लग जाएगा। और ये देखिए, ये गोभी भी इसी तरीके से एक दो पल्स में ही बिल्कुल अच्छे से फाइनली चॉप हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक चॉपर मेरा निंजा ब्रांड का है, मैंने बहुत टाइम पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था इसे, आई थिंक 2-3 साल हो गए। तो अगर पॉसिबल हुआ, मुझे मिल गया अमेज़ॉन पे, तो मैं इसका लिंक आपके लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी पालक भी अच्छे से चॉप हो गई है। सो ये वेजीज चॉप हो गई हैं, अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बिल्कुल चुटकी भर, और नमक। और अब इसमें मैं अपना एक कटोरी मल्टीग्रेन फ्लोर ऐड कर रही हूँ, और धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करते करते देखिएगा आटा इतना अच्छा गुन जाएगा। इसमें आपको पानी ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है और ये सारी सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं, तो धीरे धीरे सब्जियों के पानी से ही आटा अच्छे से गूंथता चला जाएगा। बस आप इस तरीके से मुट्ठियाँ लगाते लगाते अच्छे से आटा गूंदेंगे, तो देखिए 5-7 मिनट में अच्छे से आटा आपका सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सा गूंदेगा। और आटा गूंदने के बाद आप 5-7 मिनट इसे रख दीजिए, और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसकी लोइयाँ बनाइए। मैंने थोड़ा सा घी से अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है, और अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी। छोटे छोटे ये पराठे बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इन पराठों को बेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आटा थोड़ा सा गीला होता है। और इन आटे का बस एक ये ड्रॉबैक होता है कि आप इसे नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रख सकते। लाइक अगर आप इसे लंच में बना रहे हैं, तो पूरे आटे के आपको पराठे या रोटी लंच में ही बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप आटा रख देंगे तो आटा बहुत गीला हो जाता है और फिर बेलना बहुत मुश्किल। तो देखिए, मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं और अब मैं सारे पराठे एक साथ बना के सेक लूँगी। तो अगर आप अकेले पराठे बना रहे हैं, तो एक एक पराठा छोटा छोटा बेलिए और फिर एक एक पराठे को सेकिए, क्योंकि ये पराठे चिपक भी जाते हैं। बट आपको पता है कि मेरे प्रोफेशनल हस्बैंड की आज छुट्टी होती है, और वो बहुत अच्छे पराठे पूरियाँ सेकते हैं, तो पराठे पूरी सेकने का काम उन्हीं का होता है। तो मैं एक एक उनको बेल बेल कर दे रही हूँ और वो अच्छे से सेक रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने बड़ा तवा चढ़ाया है, तो वो साथ में दो दो पराठे सेक रहे हैं, और ट्रस्ट मी, देख के ही पराठे इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बस वेट नहीं हो रहा, जल्दी से पराठे बनेंगे और फिर हम खाने बैठेंगे इन्हें।
गर्मा गर्म मिक्स वेज पराठे मैंने सर्व किए हैं नींबू के अचार के साथ, जो मेरी मम्मी के हाथ का है। बहुत टेस्टी लगता है ये कॉम्बिनेशन, और उसके साथ है गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। आज ना बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, और मेरे बेडरूम में बहुत अच्छी धूप आती है, क्योंकि मेरा बेडरूम ना ईस्ट फेसिंग है, लाइक विंडो इज ईस्ट फेसिंग, तो बहुत अच्छी अच्छी धूप आती है, और हम लोग को जब भी धूप सेकनी होती है यहीं पे आकर बैठते हैं। तो मैंने गोविंद को भी अपने साथ लेकर आई हूँ, जिससे कि उसको भी थोड़ी सी धूप मिल जाए, विटामिन डी मिल जाए। हम जब बच्चे थे ना, तो धूप, जब विंटर वेकेशन होती थी तो 10-10:30 बजे तक हम रेडी होके बाहर निकलते थे खेलने के लिए अपने कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ, और 2 बजे तक खेलते रहते थे। मम्मी डांट डांट के घर पे वापस बुलाती थी, बट ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, तो इनको घर में ही इसी तरीके से शेड्स वगैरह ओपन करके धूप दिखानी पड़ती है। और आज के पराठे ना बहुत अच्छे बने थे। ये वाले पराठे ना मेरे फेवरेट हैं, मेरी मम्मी भी बनाती हैं इसमें मक्की का आटा डाल के, बट समहाउ ना मक्की को बाइंड करना मुश्किल होता है, और फिर उसके पराठे या रोटी बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो अगर आप नए हो कुकिंग में लाइक मी, और नहीं आपको बनाना आता, तो आप इसे अपने मल्टीग्रेन आटे के साथ या सिंपल गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं तो कभी कभार थोड़ा सा मक्की का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स करके बना लेती हूँ, तो इस बहाने बच्चों के पेट में भी बहुत सारी वेजिटेबल्स चली जाती हैं। और मैंने तो पेट भर के आज पराठे खाए हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे। और ये पराठे ना जनरली मैं वीकेंड्स पे ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर सब मिलके खा लेते हैं ना सुबह के टाइम, तो फिर अच्छा लगता है, क्योंकि वीकडेज में तो इतनी जल्दी अंशुल सुबह निकल जाते हैं, और फिर गोविंद भी सुबह जिस दिन स्कूल होता है तो ब्रेकफास्ट नहीं करता, इसीलिए फिर मेरा मन नहीं करता ये वाले पराठे वीकडेज में बनाने के लिए। और किसी ने मुझसे बोला भी था कि इसकी रेसिपी शेयर करूं, तो मैंने वेट कर रही थी कि वीकेंड आएगा तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और आज का दिन ना बड़ा लेजी सा है, घर पूरा फैला हुआ है, बट मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस धूप में बैठी रहूं, ऐसे कुछ ना करूं। बट अभी थोड़ी देर में उठूंगी, 5-7 मिनट बस बैठूंगी और फिर इसे उठाऊंगी। और ये मेरे प्लांट्स छेड़ रहा है, ये देखो छोटा सा बंदर। हेलो बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन हूँ। मुझे अपना घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में अच्छा लगता है, बट मॉर्निंग की हालत ये होती है, सारी तरफ टॉयज एंड सामान एंड ब्लैंकेट एंड कुशंस फैले रहते हैं, और ये सब इनकी बदौलत होता है। अंशुल और गोविंद मिलके बाहर कुछ गार्डनिंग का काम कर रहे हैं। गोविंद से हाय। और मेरे पैटियो की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, लीव्स ही लीव्स हैं हर जगह, बट अब विंटर्स है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे साफ़ वगैरह नहीं करती, क्योंकि गेट हमेशा बंद ही रहता है, तो बस अभी गेट बंद कर देते हैं। अभी गोविंद की मसाज कर रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल से, और आप लोग पूछते हो मैं कौन सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, ये अपना देसी डाबर का, जो हम एडिबल मस्टर्ड ऑयल हम जो सब्जियाँ बनाते हैं ना जिससे, वही वाला मस्टर्ड ऑयल है। थोड़ी सी लाइक 4-5 दाने अजवाइन डाल के मैंने ऑयल को गर्म किया है, इससे बच्चों को ना ड्राइनेस नहीं होती और खुजली की प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे इसके डैडी मसाज करते हैं इसको वीकेंड पे, बट आज मैं कर रही हूँ क्योंकि डैडी की ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत कोल्ड कफ हुआ हुआ है, तो मैंने कहा आज आपका काम मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। अभी हम लोग थोड़ी सी डीक्लटरिंग कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे मेल्स रिसीव होते हैं, और मैं सारे मेल्स ना इस ओटोमैन में रख देती हूँ, जो मैंने अपने घर के एंट्री पे ही रखा हुआ है, तो पूरा ही ओटोमैन फिल हो गया था, तो सोचा चलो इसे डीक्लटर करते हैं। क्योंकि मेल्स वगैरह डीक्लटर करने के लिए ना मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट मेल होता है और वो मुझे नहीं पता होता तो मैं फेंक देती हूँ, तो उनसे थोड़ी सी हेल्प ली है, और वो सब मेल्स वगैरह चेक कर रहे हैं, और ऑटोमैन मैंने खाली कर लिया है पूरा, उसे फिर से रीऑर्गेनाइज कर दूंगी।
अब बारी है लंच बनाने की और मैं लंच में चटपटे अचारी मटर बनाने वाली हूँ और सूप की तैयारी करूंगी क्योंकि आज शाम को सूप बनाऊंगी। अंशुल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो सूप वगैरह पीने से ना गला सिकता है और अच्छा लगता है, तो टमेटो सूप बनाऊंगी। उसके लिए मैंने सब चॉपिंग वगैरह कर ली है, तो अभी मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। और अभी हम लोग ना न्यूज़ देख रहे थे, वैसे हम काफ़ी दिन से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो वही इंडिया में काफ़ी सारे राइड्स चल रहे हैं। आई होप आप सब लोग सेफ हो, अवॉइड करिए राइड्स वाले एरियाज़ में जाने से, ट्रैवल करने से, घर में रहिए, सेफ रहिए जितना हो सके। एंड आई होप कि सारी सिचुएशन जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। काफ़ी सारा ऐसा जब न्यूज़ आता है ना अपने कंट्री के बारे में, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और डर भी लगता है। इट इज़ नॉट सेफ निकलना अभी, तो वही सब है। तो चलो, आई होप कि सब कुछ जल्दी से काम डाउन हो जाए और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चॉपिंग करी है। सूप के लिए मैंने टमाटर लिए हैं 3, उनको रफली चॉप कर लिया है। आधा प्याज लिया है, मेरा बड़ा प्याज था, मीडियम साइज़ का है तो आप एक प्याज ले लीजिए, उसको भी रफली चॉप कर लिया है। और 3 cloves ऑफ गार्लिक मैंने ऐसे फाइनली थोड़ा सा चॉप कर लिया है, तो इससे मैं बनाऊँगी सूप। और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने जिंजर गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लिया। अनियन को देखिए बहुत फाइन चॉप किया है, और 1 green chili मैंने लिए जिसे मैंने चॉप किया है। और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, तो मैंने इसे लेकर अराउंड 200 ग्राम मैंने मटर लिए, पानी में डाल के माइक्रोवेव किया है फॉर 3 minutes। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप फ्रेश मटर लेके उसको 1 सीटी लगा लीजिए, बस थोड़ा सा नमक ऐड करके, तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। बट मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने फ्रोज़न मटर लिया है, देखिए ये वाला। के लिए खड़े मसालों में 1 bay leaf, 2 इलायची लिए हैं मैंने कूट कर, और ये मैंने क्लोव्स लिए हैं 3 से 4, थोड़ा सा घी लिया है, और घी के गर्म होते ही मैं ये सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं गार्लिक डाल दूंगी और अनियन डाल दूंगी, और अनियन को मैं थोड़ा सा भून लूंगी, बिना नमक डाले ही मैं भून रही हूँ। 5 से 7 मिनट में अनियन थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाएगा, हल्का सा बस ब्राउन ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। उसके बाद मैं इसमें अपने टमाटर भी डाल दूंगी। इस तरीके से जब आप भून के प्याज टमाटर का सूप बनाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपके पास गाजर है तो आप इसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया, और अब इसे थोड़ा सा मैं मिक्स करके पीछे वाली गैस पे शिफ्ट कर दूंगी, और आगे वाली गैस पे हम बनाएंगे मटर की सब्ज़ी। तो ये वाला पैन मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और बस ऑयल को थोड़ा सा मैं हिला लूँगी, और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें हींग, जीरा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। इसमें मैंने अपना प्याज भी डाल दिया है बारीक कटा हुआ। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करके प्याज को थोड़ा सा भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से मशी हो गया है सूप के लिए, तो बस गैस ऑफ कर दूंगी, और शाम को जब मैं सूप बनाऊंगी तब इसे मैं ग्राइंड करके गर्मा गर्म सूप रेडी करूंगी। और यहाँ पे अब हम बना रहे हैं मटर की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने ये स्वाद का अचार मसाला यूज़ किया है। मैं करीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर अचार मसाला ऐड कर रही हूँ। बट अगर आपके पास ये वाला मसाला नहीं है, तो आपके पास अगर आम का अचार बना हुआ है ना, तो उसका मसाला आप इसके अंदर ऐड कर दें, उससे भी बहुत अच्छा अचारी फ्लेवर आएगा और मटर बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए प्याज वगैरह सब भुन गया, मसाला भुन गया, इसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया, और मटर को थोड़ा सा मैं चला लूँगी। वैसे भी ये बॉइल्ड मटर है, तो बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मिक्स कर लूँगी, और ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता के साथ इसे गार्निश करके सर्व करूँगी। और ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इसे ना आप एज अ चाट भी खा सकते हैं, अगर आपको स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक है ना, तो इस तरीके की हेल्दी आप स्ट्रीट फूड टाइप बना के इंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर से सजाने के लिए इसमें मैंने थोड़े से पनीर के पीसेस भी रख दिए। लंच के लिए मैंने दही बनाया है, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर इसमें डाल रही हूँ ऊपर से। और हस्बैंड की स्पेशल डिमांड आई है कि आज मटर की सब्जी के साथ उन्हें ब्रेड खानी है, तो मैं स्लो गैस पे जाली लगा के इस तरीके से ब्रेड सेक रही हूँ बटर लगा के। ये वाली ब्रेड ना रेलवे स्टेशन पे मिलती है, अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन पे चाय पी है तो इस तरीके से ब्रेड भी मिलती है, और बहुत टेस्टी लगती है, तो वही वाला फ्लेवर लाने की मैं ट्राई कर रही हूँ। बटर आज मेरा पूरा फ्रिज में रखा था, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सा है, तो स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। बट आप स्प्रेडेबल बटर भी यूज़ कर सकते हैं,
और दोनों तरफ से अच्छे से मैं इसे सेकूंगी। और ये ब्रेड ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो। अगर आप लोगों ने ट्राई करी हुई है रेलवे स्टेशन पे इस टाइप की ब्रेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शाम का 6 बज गया है और अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के बाद। आज हुआ क्या कि गोविंद को मैं सुलाने गई और उसके साथ साथ मुझे भी नींद आ गई। बहुत कम मैं दोपहर में सोती हूँ, 3-4 मंथ्स में कभी एक बार मेरी नींद लग जाती है तो मैं सोती हूँ, अदरवाइज मुझे आदत नहीं है दोपहर में सोने की। तो घर का टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन था, 72 शायद कर रखा था, तो बहुत कोजी हो रखा था। और गोविंद को सुलाते सुलाते मेरी भी नींद लग गई और बाहर अंशुल बैठ के टीवी देख रहे थे, साथ में कुछ काम कर रहे थे, तो वो भी शायद सोफा पेस हो गए। मेरी नींद एकदम से 6:45 खुली और मैं एकदम से उठी और मैंने देखा कि पूरा घर में अंधेरा हो रखा है, सब सो रहे हैं, गोविंद सो रहे हैं, अंशुल भी सो रहे हैं, मैं भी सो रही थी। फिर फटाफट से सबको उठाया और आज हम बिना शावर लिए सो गए थे, तो अभी शावर वगैरह लेके गोविंद अपना थोड़ा सा टीवी देख रहा है। अंशुल गए हैं गिफ्ट और गिफ्ट रैप कराने। एक्चुअली मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है अभी, उसकी पार्टी में भी हमें आज शाम को जाना है, तो उसके लिए गिफ्ट लेने गए हैं और उसे रैप वगैरह करा के वो लेकर आएंगे। और मैं बना रही हूँ सूप, तो मैंने प्याज टमाटर भून के रखा था दोपहर में, अब उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैंने सेम पैन में थोड़ा सा बटर डाला है और ये ग्राइंडेड पेस्ट जो है अब इसको मैं छान लूँगी। और इस टाइम पे मैंने गैस को एकदम लो पे रखा है, 1 पे रखा हुआ है, जिससे कि मेरा बटर नहीं जले। और फटाफट से इसको मैं छानूंगी। ब्लेंडर में थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ऐड करके उसको भी मैंने छलनी में ले लिया है और अब इसे भी मैं पूरी तरीके से छान लूँगी, जिससे कि टमेटो का पूरा पल्प आ जाए। और छानने के बाद मैं सूप में अपना पानी ऐड कर लूँगी, बेस्ड ऑन आप कैसा पीना पसंद करते हैं, सूप ज़्यादा थिक या थिन, तो मैं तो मीडियम कंसिस्टेंसी का ही बनाती हूँ। तो देखिए मैंने पानी वगैरह ऐड कर लिया और सूप की कंसिस्टेंसी ये रखी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, ये टोटली डिपेंडेंट है आप किस तरीके का नमक खाना, कितना नमक खाना पसंद करते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाली है काली मिर्च, काली मिर्च सर्दियों में गले को बहुत आराम देती है अगर कोल्ड कफ है तो। और टमेटो के टैंगी फ्लेवर को बैलेंस आउट करने के लिए मैंने 1 चम्मच गुड़ ऐड किया है, आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसे एक बॉयल आने देंगे हम। और ये देखिए मेरा गर्मा गर्म सूप, आज मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने ऊपर से बटर ऐड कर दिया। और गोविंद के सूप में मैं हमेशा इस तरीके से पनीर काट के डाल देती हूँ। और अभी मेरा और अंशुल का रखा है तो जब वो आएंगे तब हम लोग साथ में मिलके पियेंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, बहुत ही सिंपल सा मैंने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है, फ्रॉक स्टाइल कुर्ता है। मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मैं पहनूँ क्या, इंडियन पहनूँ या प्रॉपर वेस्टर्न पहनूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ फ्यूजन करते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर का सिंपल कुर्ता पहना है। और जब भी आपको समझ कुछ ना आए ना कि आपको क्या पहनना है, ब्लैक इज़ द बेस्ट कलर, आप ब्लैक पहन लो एंड यू आर गुड टू गो, चाहे आप इंडियन पहनो चाहे वेस्टर्न। और थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का दुपट्टा ले लिया है और ये इयररिंग्स पहने हैं। मुझे ना इयररिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ना ब्लैक कलर के साथ तो और ज़्यादा रंग देती है, तो मैंने ये वाले झुमके पहने हैं। और बस अभी हम लोग जाने वाले हैं, मैं वहाँ का कुछ शूट नहीं करूँगी क्योंकि यू नो मुझे नहीं पता कि कितने लोग कंफर्टेबल होंगे अपना बर्थडे इस तरीके से शूट कराने के लिए, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता यू नो हर जगह बस कैमरा पकड़ के चले जाओ। तो मैं आपको बर्थडे पार्टी से आने के बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स वी आर बैक फ्रॉम द बर्थडे पार्टी और अभी हम लोग NDTV लाइव न्यूज़ देख रहे थे और आप लोग गोविंद के ट्रैम्पोलिन के बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली ये हम लोगों ने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो इसका लिंक अमेजोन लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा है, गोविंद तो बहुत प्ले करता है। एंड या न्यूज़ को देख के मैं यही बोलूँगी, आप सभी लोग सेफ रहें, जो भी कहीं पे भी आप जाते हैं कोशिश करिए बहुत क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं, जहाँ पे हाई अलर्ट है उन एरियाज़ में ना जाएं। एंड या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड होप करती हूँ आपने आज की रेसिपीज़ इन्जॉय करी होंगी, अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं और आप इन्हें रिक्रिएट करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग जो शेयर करते हो ना इंस्टाग्राम पे वो मैं अपनी स्टोरीज में अपने पोस्ट में इंक्लूड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे बातें करते हो, DMs करते हो और यू नो इतना पर्सनल कनेक्शन आप लोगों से लगता है ना, थैंक यू सो मच। तो बस फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, गुड नाइट।